सो वीडियो में हम बात कर रहे हैं ऐप अनलॉक मतलब ऐप लॉक एक्टिवेशन के बारे में, किस तरीके से आप जो आपके एप्लीकेशन होते हैं फ़ोन के अंदर उनको आप लॉक किस तरीके से कर सकते हो, और काफ़ी सारी वीडियोस और जो फोल्डर्स होते हैं या फिर जो एप्लीकेशन होते हैं तो उसे आप किस तरीके से लॉक कर सकते हैं, या फिर जो फोटोज या फिर वीडियोज वगैरह होते हैं उनको आप किस तरीके से एक वैल्यूड एप्लीकेशन के यानी उसको प्राइवेट कर सकते हो। तो आज के उस बारे में बात करना होते हैं। इस एप्लीकेशन के लिंक मैंने पिन कमेंट कर दे रखी है, तो वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। तो बाकी बात करते हैं किस तरीके से एप्लीकेशन को यूज़ करना है। तो यहाँ पर जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करते हैं आपके सामने इस तरीके से एक पैटर्न आता है, यहाँ पर आपको कोई भी ड्रॉ अनलॉक पैटर्न, यहाँ पर आपको अनलॉक पैटर्न यहाँ पर आपको सेट कर देना है। सपोज इस पैटर्न को मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इस तरीके से आपको पैटर्न सेट कर लेना है। एग्री एंड स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर आपको जैसे सेटिंग, प्राइवेट नोटिफिकेशन, गूगल प्ले स्टोर, सिस्टम यूआई वगैरह आपको यहाँ पर लॉक कर सकते हो एप्लीकेशन को। यहाँ पर जैसे नॉर्मल यहाँ पर आपको प्राइवेट नोटिफिकेशन वगैरह भी आप लॉक कर सकते हो, और यहाँ पर आप जैसे सेटिंग भी आप लॉक कर सकते हो, यानी किसी सेटिंग के अंदर जा करके आप सेटिंग वगैरह पर एडजस्ट नहीं कर सकते। हाँ, वो यहाँ पर मैं सेटिंग के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर जैसे परमिशन रिक्वेस्ट इन अर्डर परमिट ड्रॉप ओवर ऐप टू की टेडनेस फीचर, यहाँ पर आपको परमिट कर देना है, ओवर ड्रॉ यहाँ पर आपको परमिट कर देना है, फिर यहाँ पर आपको इसे परमिट कर देना है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको परमिट के ऊपर क्लिक करना है, फिर उसके बाद आप किस तरीके से आपको यहाँ पर आपको एक्सेस कर देना है, इससे मैं कैंसिल कर देता हूँ यहाँ पर। फिर इसके बाद यहाँ पर प्राइवेट नोटिफिकेशन, जीमेल, फोटोज वगैरह, मतलब सिंपल जो हमारे एप्लीकेशन रहते हैं उनको आप यहाँ पर लॉक लगा सकते हो। यहाँ पर आप ब्लूटूथ के ऊपर आप लॉक ऑन कर सकते हो, सब यहाँ पर हम ब्लूटूथ के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर इन अर्डर फेवर, यहाँ पर आपको इसे ऑन कर देना है, यहाँ पर परमिशन वगैरह दे देनी है, फिर उसके यहाँ पर आप ब्लूटूथ के ऊपर भी लॉक कर सकते हो। फिर उसके यहाँ पर आप जो बाकी के नॉर्मल एप्लीकेशन रहते हैं उनके ऊपर तो आप कर ही सकते हो, लेकिन जो आपको जो पर्सनल सेटिंग्स होती है उनके ऊपर भी आप लॉक लगा सकते हो अपने हिसाब से। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको आते ही सेटिंग का ऑप्शन आता है, फिर उसके बाद आप आपको सर्च वगैरह कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको वैल्यूड का ऑप्शन, वैल्यूड के अंदर आप अपने फोटोज या फिर वीडियोज़ को आप सेव कर सकते हो। यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ पर फोटोज या फिर वीडियोज़ को मैं अपनी फाइल के अंदर ऐड कर सकता हूँ वैल्यूड के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पर ब्राउज़र का ऑप्शन है, यहाँ पर एक ब्राउज़र भी आपको मिल जाता है, तो ब्राउज़र आप ओपन कर सकते हो। ब्राउज़र के अंदर वही बेसिक सेटिंग्स वगैरह खोल लीजिए जिससे नॉर्मल ब्राउज़र के अंदर आपको मिल जाए, तो यहाँ पर कुछ फेवरेट वगैरह मिलते हैं। फिर इसके यहाँ पर आपको टैब वगैरह मिलते हैं बेसिक से, जिस तरीके से टैब होते हैं, फिर इसके यहाँ पर आप होम के ऊपर जाते हैं, फिर डाउनलोड वगैरह मतलब जो बेसिक से फीचर होते हैं आपको इसके अंदर भी मिलते हैं, तो आपको इसके अंदर भी मिलते थे। आप एक सेकंड में सेव कर से ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप ईमेल वगैरह जाओ तो सेट कर सकते हो, पढ़ने वाटो यहाँ पर मैं, यहाँ पर इस तरीके से फिर प्रोफाइल का ऑप्शन आता है, आप प्रोफाइल वगैरह सेट कर सकते हो, सिक्योरिटी का ऑप्शन आता है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, फिर यहाँ पर प्रोडक्ट ऑप्शन आता है, फिर यहाँ पर एडवांस प्रोटेक्शन का ऑन करना होगा तो प्रोटेक्शन वगैरह आप और सिक्योर कर सकते हो, फिर कीप लाइव पावर सेविंग मोड वगैरह आप ऑन कर सकते हो, फिर यहाँ पर आप सिक्योरिटी का ऑप्शन आता है, जैसे अनलॉक सेटिंग किस तरीके से आपको रखनी, किस टाइप की आपको अनलॉक सेटिंग रखनी है, सब यहाँ पर मुझे पैटर्न लॉक चाहिए या फिर मेक पैटर्न विजिबल वगैरह आप यहाँ पर सेटिंग वगैरह कर सकते हो, पासवर्ड या फिर पैटर्न वगैरह आप सेट कर सकते हो, यूज फिंगरप्रिंट आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, इंडस्ट्रियल सेल्फी वगैरह आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, फिर इसके लिए यहाँ पर प्राइवेसी के अंदर वगैरह प्राइवेसी वगैरह ओपन कर सकते हो। फिर इसके लिए यहाँ पर थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करिए, बेसिक सेटिंग्स होती है यहाँ पर आपको मिल जाती है, वो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, हाइट, फॉर्म, गैलरी वगैरह और लॉग न्यू ऐप वगैरह आप यहाँ पर कर सकते हो, इसमें से क्या कर रहे हो तो कीप लुक स्विच वगैरह, मतलब जो बेसिक सेटिंग्स होती है यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो बात करते हैं एप्लीकेशन को किस तरह से डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करने की जो लिंक है मैंने पिन कमेंट्स के अंदर दे रखी है, तो जैसे आप जो पिन कमेंट्स के ऊपर जो लिंक दे रखी है उसके ऊपर क्लिक करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके से क्रोम टैब ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको सब दोनों यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल नोटिफिकेशन जो आप सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको बैक आना है, बैक आना है तो अनलॉक लिंक के ऊपर क्लिक करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो।